आपके अपने यूट्यूब चैनल विजा क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन की अपनी थर्ड क्लास है जिसके अंदर हम ट्रिक्स सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास रहेगी जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर ठीक है मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स सीखेंगे। इसके अंदर कौन से नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जो अराउंड है, अराउंड किसके समथिंग, अराउंड किसके पास पास में होने चाहिए, 100 के आसपास जो जितने भी वर्ड हैं उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास आ जाता है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आज हम सीखेंगे, उनके बारे में हम ट्रिक्स सीखेंगे। तो क्या होगा उनका मल्टीप्लिकेशन का मेथड, उसके बाद देखते हैं। जैसे अपने पास में कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे हमारे पास में कोई भी वर्ड दे दिया, कोई भी आपको नंबर दे देगा, जैसे आपको 102 को मल्टीप्लाई करवाएगा, 104 से मल्टीप्लाई करवा लेगा, ठीक है। तो ये 100 के आसपास वाले वर्ड लेंगे, जैसे 102 हो गया, 104 हो गया, 113, 112 जो भी है, मतलब आसपास के वर्ड, उनको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे सीखेंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे आपको इसका मल्टीप्लाई अगर पूछेगा तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये हम कहेंगे कि ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, हम बोलेंगे 2 एक्स्ट्रा है। उसके बाद में हम बोलेंगे ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 4 है, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में हम कहेंगे 2 × 4 कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ये संख्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये है अपने पास में 102, इसको हम ठीक है इस वाली संख्या जोड़ लेंगे, ठीक है, 102 के अंदर 4 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 100। देखिएगा इसको जब भी मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमें टू डिजिट के अंदर इसको नंबर को लिखना है। जैसे 8 आया तो हम इसको कितना लिखेंगे, 08 लिख देंगे, ठीक है, 08 लिख देंगे। ऐसे ही अब 102 आया है तो इसको हम 4 जोड़ेंगे 102 के अंदर, कितना हो जाएगा 106 इसका ये हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कितना आएगा, 10608 इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस टाइप से हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 102 को मल्टीप्लाई करवाए 103 से, हम क्या कहेंगे ये कितना एक्स्ट्रा है, 2 है, ये कितना एक्स्ट्रा है, 3 है, हम क्या कहेंगे ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब दो डिजिट लिखनी है तो 0 लगा देंगे, 0 लगा दिया, 102 के अंदर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 105, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको जो ये 2, 3 और ये लिख रहा हूँ मैं, ये आपको वहाँ पर नहीं लिखना है, ये आपको माइंड में चलाना है आप, ठीक है, वहाँ पर लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 107 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ जैसे 109 से, तो आप सीधा भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि 9 × 7 = 63 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 107 के अंदर 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 116, ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमने डायरेक्ट किया है, आप भी इसी प्रकार से इसको डायरेक्ट करें, ठीक है। अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको समझा देता हूँ वैसे ही, ठीक है। तो इसको हमने कैसे किया था, जैसे 7 ज़्यादा था और ये वाला 9 ज़्यादा था, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया और इसके अंदर 107 के अंदर 9 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 103 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 121 से, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या कहूँगा, ये कितना एक्स्ट्रा है, 3 है, ये कितना एक्स्ट्रा है, ये है 21, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, टू डिजिट के अंदर है तो हमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद में हम यहाँ पे 103 और 21 को जोड़ लेंगे तो 103 और 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 124। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर आपके पास में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते वक्त 3 डिजिट यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते समय यहाँ पर कोई भी 3 डिजिट आ जाती है तो एक को हम कैरी ले लेंगे, यानी 2 डिजिट लिखेंगे और जो एक थर्ड डिजिट आएगी उसको हम कैरी लेके अगले वाली जो मल्टीप्लाई आएगा उसके अंदर हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी ले लें हम, एग्जांपल क्या लें, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 121 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैं इसको करवा लेते हैं 105 से करवा लेते हैं, ठीक है, इसको जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 21 एक्स्ट्रा आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 5 एक्स्ट्रा, ठीक है, ये आ गया 21 और ये 5, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 5। अब जो ये 2 डिजिट तो आ गई, इसको तो हम ऐसे कैसे रख लेंगे, और जो एक आया है इसको हम क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे।
बाद में 121 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली करके लिख देते हैं, 126 है ये कैरी है तो 126 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 127, और ये हो जाएगा 05। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 127 05। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे 112 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 113 से, ठीक है, ये 12 एक्स्ट्रा है और ये 13 एक्स्ट्रा है। अब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156, ये हो जाएगा आपके पास में 156, ठीक है। हमें दो ही डिजिट चाहिए तो यहाँ पे तीसरी है तो इसको हम क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, 112 में 113 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125। इसको हम सिंपली करके लिख देते हैं, 125 में एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 126, और ये आ जाएगा 546, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में 12656 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, 104 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 117 से, इसको जैसे इस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है, 17 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 68। उसके बाद में 104 में 17 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 121, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप फटाफट भी आप भी इसको कोशिश करें क्वेश्चन को करने की, ठीक है, यहाँ पे है 5 एक्स्ट्रा, उसके बाद में यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दो डिजिट चाहिए, यहाँ 0 लगा लेंगे, 105 है और एक जोड़ लेंगे, 105 के अंदर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 126 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 से, ठीक है, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 26 है, और ये कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, इसको हम 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। उसके बाद में 126 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 129, ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 108 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 109 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो गया 8 एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा 9 एक्स्ट्रा, इसको 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, 108 में 9 जोड़ लूँगा तो कितना हो जाएगा 117, ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, 104 है, 110 है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये 4 एक्स्ट्रा है, ये 10 एक्स्ट्रा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, उसके बाद में 114 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट प्रैक्टिस कर लिए, आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के लिए आपको होमवर्क दे देते हैं, जैसे होमवर्क में है, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं, 112 को 104 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और भी लेंगे जैसे 115 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 111 से, ठीक है, आप करें 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखें और लास्ट में कैलकुलेटर से मिला लें कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपकी ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप अपने आप से एग्जाम्पल लेके उनको फटाफट से सॉल्व करके कैलकुलेटर से मिला लें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।